कोई फैंस मिले ना तो कहते थे हम आपके फैन नहीं, आपके लड़के के फैन है जो आप बनते हो. तो हम लोग आपको उनको लड़का बन बन के दिखाते थे. आपको एक इंकशाफ करूँ, आपकी एक बहन सीक्रेट्स शेयर नहीं करती. मेरे बाबा ने एक चीज समझाई थी कि कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना. रबीका खान, रबीका हर चीज में ड्रामा है. हाँ, बट लाइक शी इज टैलेंटेड, बट सही है. सनसेट प्रेजेंट्स गर्ल्स ओनली. Hi, hello and assalamu alaikum everybody. Welcome to a brand new episode of Girls Only. आज मैं सारी लड़कियों को एक हैक देने वाली हूँ कि कैसे आप एक परफेक्ट पोनीटेल अचीव कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो फॉर एनी इवेंट. बट ये मैं खुद तो नहीं कर सकती. आई वुड लाइक टू कॉल माई फ्रेंड एंड हेयर स्टाइलिस्ट साइमा. Hello, assalamu alaikum Saima. How are you? I'm good, how are you? Good. So Saima, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे एक परफेक्ट पोनीटेल बनाए, but with a hack. Okay. कि कैसे वो जल्दी से बन सकता है, you're good to go for any event. Okay. और जब आपके बाल होते हैं दो गुना ज्यादा घने तो इस तरह की पोनीटेल्स वैसे भी बहुत प्यारी लगती हैं. You should start? Yeah. मुझे बताने if I'm wrong. So you took two strands, yes. ठीक है, आपने पीछे एक सिंपल पोनी बनाई और आपने उन दोनों strands को लेके रबर बैंड के इर्द गिर्द रैप कर दिया. हाँ, पहले हमने ट्विस्ट किया, फिर उसके बाद उनको वो कर दिया, रैप कर दिया. strands को पहले ट्विस्ट किया, उसके बाद रबर बैंड के इर्द गिर्द रैप कर दिया. सबसे बेहतरीन चीज इस हैक की है, दिस एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड फॉर एनी इवेंट. एंड सेकंडली द बिगेस्ट थिंग इज देयर इज नो हीट इन दिस. आपने कोई हीट यूज नहीं की, देयर इज नो कर्लर इन्वॉल्व, देयर इज नो स्ट्रेटनर इन्वॉल्व. और मेरे बालों में क्योंकि बहुत सारा वॉल्यूम है, सो यू नो आई कैन जस्ट एंजॉय माय हेयर, आई कैन एंजॉय माय टाइम, इवन इफ देयर इज अ लॉट ऑफ विंड, माय हेयर आर ऑल रैप्ड अप, सो आई कैन हैव अ गुड टाइम एट एन इवेंट. थैंक यू सो मच साइमा. यू आर वेलकम. आई लव माय हेयर स्टाइल वंस अगेन एंड नाउ इट्स टाइम टू मीट आवर गेस्ट फॉर टुडेज एपिसोड. आज का एपिसोड होने वाला है एक ट्रीट, एब्सोल्यूट ट्रीट फॉर ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स, क्योंकि आप सब ने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि इनको बुलाएं, इनको बुलाएं, इनको बुलाएं, इनको बुलाएं. वो फाइनली हमारे शो पर आ चुकी हैं, लेकिन ना इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी मैं. थिएटर एंड फिल्म मेकिंग पढ़ रही हैं, डांसिंग का इनको शौक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने करियर के साथ साथ, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ कंप्लीट करियर नाउ, यहाँ पर आपको ब्रांड्स के साथ काम करना पड़ता है, पीआर बॉक्सेस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें डिलीवर करनी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये अपनी पढ़ाई लेके चल रही हैं. एक यूट्यूब चैनल हिट हो गया, 2016 में बना था, लॉन्ग जर्नी. फिर इनका अपना यूट्यूब चैनल खुला, वो भी सुपर डुपर हिट हो गया, क्या ही बात है. आई हैव विद मी नॉन अदर देन राबिया फैसल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह. राबिया, ये बताओ सबसे पहले कि कराची कैसा लग रहा है? गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा. और कराची में सब मुझे वो वाली गर्मी फील हो रही है, सब मुझे लग रहा है मेरी स्किन जो ना जल रही है बकाया. मैं अभी हम प्लेन से उतरे और आके देख रहे हैं, फील हो रही है गर्मी. मैंने कब पता चल गया कराची में आया. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, और हमेशा कराची वाले कहते हैं कि लाहौर में ज्यादा गर्मी होती है. नहीं, कराची में ज्यादा गर्मी और लोग बहुत हैं कराची में, उसकी वजह से और गर्मी हो रही है. अच्छा, लाहौर में इतने लोग लगता है नहीं है. हाँ नहीं, कम है लेकिन, हाँ है, कम है लेकिन. राबिया, अगर कभी आपको चांस मिले कि कराची शिफ्ट होना है सारी बहनों के साथ, ठीक है, ऑप्शन दिया जाए आइदर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, तो किधर सारे गैंग को लेके बोलो कि चलो चलो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? इस्लामाबाद. इस्लामाबाद सबसे सुकून है वहाँ पर, कोई और मौसम भी वहाँ पे बहुत अच्छा होता है. वो सबसे बेटर है. और यार वो जो पहाड़ हैं, जो आसमान है, वो जो उसकी वाइब है, और वहां से अगर आपने किसी नॉर्दर्न एरिया जाना है आप आराम से जा सकते हो. एग्जैक्टली. ठीक है. अच्छा राबिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 2016 में सिस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल बना, उस वक्त आई थिंक आप बहुत छोटे थे. क्योंकि मुझे पता चला कि उस वक्त आप छोटे थे, फिर साथ साथ लोगों ने तो आई थिंक आपको बड़ा होते हुए देखा है अपनी नजरों के सामने.
तो क्या जर्नी है 2016 में राबिया किस तरह का कंटेंट देती थी, अब किस तरह का कंटेंट देती हैं? मैं तो तब बिल्कुल सोशल मीडिया पर थी ही नहीं, मेरी बहनें वगैरह करती थी और मैं बस इनको चुप चुप कर, वो शायद टाइप लड़की थी बहुत ज़्यादा, हाँ। देखती थी इनको ऐसे करके अच्छा। और मैं एक दिन अपना फ़ोन पकड़ के एक रूम का दरवाज़ा लॉक किया, जाकर अकेले वीडियोस बना रही हूँ छुपकर, इनको बताती नहीं थी, शर्म आती थी ना। फिर एक दिन इन्होंने मेरी वीडियो देखी, आप मैंने एक वीडियो अपलोड की, सॉरी मुझे कहते बताया कि नहीं छुपकर अपलोड कर रही हो। और मैं आप ही को अपनी बहनों को देखती थी ना, ये लोग मतलब चैनल्स वगैरह पर जा रही होती, तो मैं कहती मेरा भी दिल चाहता है अंदर से, बताती नहीं थी। बट ऐसा ऐसा फिर मैं भी इनके साथ बनाने लग गई। फिर ऐसे एक दिन हुआ, मैंने टिकटॉक पर वीडियो डाली और ना डाल दी, बस सुबह उठी उसके ऊपर मिलियन व्यूज। और मैं ऐसे थी, मेरी ना मतलब जिंदगी का सबसे वो खुशी वाला मोमेंट था ना, हाँ। वो था। और मैं सबको नींद में उठा रही हूँ, मेरी वीडियो तो वो बड़ा अच्छा दिन था, मेरा बेस्ट डे था। उसके बाद से फिर ऐसे सब बहुत मेहनत करते करते तो वो फिर एक स्टेप वाइज। तो जो पहली वीडियो बनाई थी, जो अपलोड की थी, उसका कॉन्टेंट क्या था? वो लाइक फनी वीडियो थी, कि वो एक ट्रेंड चला था ना कि एक तरफ यूट्यूब एक तरफ टिकटॉक, हाँ, मैं हाँ, आपकी तरफ नहीं मैं उसकी तरफ, या, वो वाली वीडियो थी। तो वो मैं बनाई और वो, लेकिन ये था एक गई उसके बाद अगली नहीं फिर जा रही थी, हाँ। तो मुझे फिर हुआ, मैंने कब ये कब मैं फिर बनाती थी। फिर हम लड़कों वाली बनाने लग गए वीडियोस, आंटी बनते थे खुद ही, okay. तो वो बहुत जान लोग बहुत पसंद करते थे उसको, और कहीं कोई फैंस मिले ना तो कहते थे हम आपके फैन नहीं आपके लड़के के फैन है जो आप बनते हो, तो हम लोग आपको उनको लड़का बन बन के दिखाते थे, और लड़का हो कहते हैं लड़के से हंस के दिखाओ, ये करके दिखाओ, लोग सीरियसली हाँ। बोलते थे कहते, और कहते हमें तो लगता है रियल में लड़का हो, अभी लड़की बनी हो, लोगों को पता ही नहीं चलता, पता नहीं क्या। ओ माय गॉड, जाहिर सी बात है लोग पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या सोच के बैठ जाते होंगे। अच्छा, जब सिस्ट्रोलॉजी में आप कब एक्टिव पार्ट आपने कब प्ले करना शुरू किया? स्टार्ट में ये इकरा, हिरा और फातिमा, ये तीनों थी, मैं और जैनब तो गिनते ही नहीं थे बीच में, हाँ। हम लोग को तो डांट के चलो तुम लोगों ने नहीं आना वीडियो में, जाओ। हम लोग वीडियो बनाते थे, मैं इनकी वीडियो बना रही होती थी यूं करके। ओ, अच्छा, आप डीओ पी थे कि लाइफ सही करो, ये सही करो, हाँ। लेकिन फिर ऐसा ऐसा एक दो जब भी ब्लॉगिंग स्टार्ट की ना इन्होंने, तो बीच में फिर मुझे भी लेते राबिया ये करिए, तो लोग फिर ऐसे सब पसंद करने लगे, वो होता ना फैमिली से प्यार हो जाता लोगों को, तो वो हो गया। और फिर उससे बड़ा एक अच्छा, और लेकिन ज़्यादा लोग हमें जानते थे पहले टिकटॉक से, क्योंकि हम लोग कंटेंट वाली वीडियोस बनाते थे, तो उससे लोगों ने पहले देखा कि अच्छा ये है, तो जब ब्लॉग्स जा रहे तो लोगों ने कहा अच्छा ये करती हैं, तो वो कनेक्शन बन गया एक लोगों का। तो राबिया, कभी ऐसा फील हुआ कि यार नहीं मुझे कैमरे पर नहीं आना है, मेरे हटाओ, मैं कैसे बैठी हूँ यार, इस तरह से क्यों दिखा रहे हो? नहीं, इतना नहीं, बट पहले होता था कि ना मेकअप नहीं किया मैंने नहीं आना, अब तो इतनी आदत हो गई, मैं नीचे तो मेरे को ले लो कोई बात नहीं, बहुत आदत हो गई अब तो, क्योंकि लोगों को आदत है हमें मेकअप के बगैर अब देखने की भी, तो वो इतना फील नहीं होता। तो ये कैसे सोचा कि यार नहीं कोई बात नहीं मेकअप के बगैर भी अपना चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं। स्टार्ट में तो हमारी ऐसे होती थी कि मुझे बिना लोग कैमरा के सामने में मेकअप नहीं किया हुआ, हाँ। मैं ना मुंह छुपा कर आती थी, लेकिन एक दिन मैंने ऐसे अपना ब्लॉग देखा जब मेकअप किया, मैंने कहा ठीक तो लग यार ही लग रही हूँ, हाँ, यार हाँ। तो फिर अब आ जाते, अब कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा, मैं खुद भी जब कभी कभार व्लॉग्स बनाती हूँ ना, मैं खुद अपना व्लॉग देख के कहती हूँ मैं तो ओके लग रही हूँ, मुझे तो मेकअप करने की जरूरत नहीं, और फिर बाद में क्लिप देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक हूँ मैं तो। एग्जैक्टली। अच्छा, व्लॉगिंग करते हो, डेली व्लॉगिंग होती है सिस्ट्रोलॉजी पे रोज, तो सुबह दोपहर शाम ये शुरू कब होती है कि अब शुरू हो चुका है? मैं नींद से उठी हूँ, सुबह उठी हूँ तो आप ही रूम में, राबिया ओके गाइस राबिया उठ गई है और मैं नींद में कहती हूँ आप ही, मैंने भी मुंह तो धो लूं, ब्रश तो होने दो, ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट का क्लिप बन रहा, राबिया नाश्ता कर रही है और कभी कभी ऐसा होता है मैं मतलब होता ना बंदा होता अभी ब्लॉग में नहीं आने का दिल नहीं कर रहा, फिर भी आना पड़ता है। और एक दफ़ा एक इंसिडेंट हुआ, आप ही सो रही और मैं सुबह स्कूल जा रही थी, मैं तैयार यूनिफॉर्म पहना हुआ और मैंने ऐसे दरवाजा खोला, आप ही नींद में, उसको इतनी आदत पड़ी थी नींद में ना, कहती राबिया व्लॉग के लिए कुछ करो मैंने कहा आप ही आप नींद में पूरी, मैं उसको लाया, वो नींद में इतना बंदा हेक्टिक हो जाता है यार लेकिन एक बात मैं कहूंगी, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट आप लोगों की बड़ी हाँ, बहन को जाता है, हाँ, क्योंकि ज्यादा क्योंकि वो डेली करती है, डेली बहुत मुश्किल है, मैं फिर भी एक दिन बार डालती हूँ ना तो वो फील नहीं होता, बट अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे इकरा ने उठाई हुई है कि नहीं ये डेली अपडेट्स जानी है इसकी, हाँ, डेली। कभी ऐसा हुआ है कि अपने व्लॉग देख के कहो यार क्या बोरिंग व्लॉग डाला हुआ है? एक दो दफा होता है जब कुछ डालने को नहीं है ना, आज कुछ आज जैसे सुबह उठी है, आज हम सब ऐसे देख रहे हैं, आप भी कहिए आज मैंने ब्लॉग बनाना है, हम कहे क्या उसी का बनाई जाएगी, वो डाल भी देगी, लेकिन वो लोग उसको भी कहते हैं हमें ये भी दिखाओ, माशाल्लाह हर चीज देखना चाहते हैं, जबरदस्त। अच्छा राबिया, कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट, कोई एक ऐसी चीज जो आप कहते हो कि यार ये जो स्पेसिफिक चीज है ना ये मैं नहीं दिखाऊंगी, ये मैं अपने हद तक रखना चाहती हूँ?
या फ्रेंड्स होती हैं यूनिवर्सिटी फ्रेंड, लेकिन वो भी मैंने अपने ब्लॉग में सब दिखा दिया हुआ है. कुछ नहीं छुपा लोगों से, कुछ भी नहीं. और लोग तो मतलब ये कहते हैं, जैसे अगर मैं कोई मतलब खाना बना रही हूँ कुछ, कोई लोग कहेंगे अपने ये खाना बनाए, ये भी कमेंट में जाएंगे, इसकी भी रेसिपी बताओ. फिर मैं अगला ब्लॉग बनाती हूँ उसकी रेसिपी बताती हूँ, आज मैंने तो ये डाला. अगर मैं ब्रेड के ऊपर जैम लगाऊँ वो भी पूछना है ये कैसे लगाया. अच्छा तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों के कमेंट्स देके उसी के मुताबिक भी कंटेंट बनाते हो. उससे ज्यादा लोग रिलेट कर सकते हैं ना, कि लाइक जो वो कहते हैं फिर हम उस हिसाब से ब्लॉग्स बनाते हैं. जबरदस्त. अच्छा यूनिवर्सिटी का मुझे बताओ यार, मैं लेकिन बड़ी हैरान हूँ. स्कूल में आप थे तब ये शुरू हुआ था, अब माशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर में हो. यार जबरदस्त, यानी कि आपको लोग माशाल्लाह कब से फॉलो करते हुए आ रहे हैं. हाँ बहुत. और ये ऐसे कि स्टेप पर आहिस्ता आहिस्ता फॉलोअर्स बढ़ते, वो ऐसे से ना कहते कि बहुत एक कतरा कतरा करके हमने दरिया बनाया, वो तो ना एकदम से नहीं आया, ऐसे से करके आए. वाओ. अच्छा हम एक काम करेंगे कि आपके साथ एक सेगमेंट खेलेंगे जिसका नाम है प्लशी सेगमेंट. प्लशी आपके सामने दो साइड्स हैं, खुश है ना खुश है. कुछ इन्फ्लुएंसर्स के आपके सामने नाम लूंगी और आपने बताना है कि इनका कॉन्टेंट अच्छा है या और अच्छा हो सकता है. अरिका हक, ओके. मिनाहिल मलिक, हफ्सा खान, इकरा फैसल, बायस हूँ थोड़ी सी, हरीम शाह, ओके. अरूप जतोई, निशु खान, आई डोंट नो, ओके. जरनाब फातिमा, कशफ अंसारी, आई डोंट नो. ओके. जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ वहाँ लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते थे, वहाँ लोग राबिया को जानते थे. फर्स्ट डे जब मैं एडमिशन लेने गई, जो वहाँ के एचओडी थे जो इंटरव्यू ले रहे थे मेरा, वही कहते हैं हाँ आई नो यू. मेरा मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से वहाँ चला गया. मैंने कहा थैंक यू सर. और अभी भी वो ऐसे बोलते रहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करो, ये वो ना, ऐसे तंग करते रहते हैं. अच्छा राबिया कितने सारे लोग होते, क्योंकि आप स्कूल में थे, आप चाहते तो आप कॉलेज में ही पढ़ाई ड्रॉप कर सकते थे, यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी आके कर सकते थे. पढ़ाई पे जोर किसने रखा है घर में? बाबा वो स्टडीज को लेकर बहुत, उनको होता है कि पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर है, तो उनको होता है कि मेरी सारी बेटियां हम के मतलब पढ़ें तो अच्छा ना, बाकी जबरदस्त. अच्छा राबिया कभी कोई ऐसा दिन गुजरे जब कहो कि यार ये यूट्यूब शूट्यूब हम सब क्यों बंद कर देते हैं, हम एक आम इंसान की जिंदगी गुजार दे, कभी ऐसा हुआ है? कभी दिमाग में कुछ ख्याल आता है ऐसा? मतलब एक दो दफा ऐसा होता है कि बस मैं कहती हूँ एक दिन छुट्टी चाहिए मुझे, मैंने आज कोई मतलब सोशल मीडिया नहीं करना, मैं करती हूँ, लेकिन वो फिर ना दिल में अजीब सा वो एक गिल्ट आता है कि यार लोग एंजाइटी होती है, फोन पकड़ के देखना, फिर देखना शुरू कर दे, वो एक आदत पड़ गई अब तो. यार ऐसे एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यूट्यूबर्स का भी एक दिन को ऑफ होना चाहिए यार. हाँ लेकिन नहीं होता, संडे की एक दिन की छुट्टी देनी चाहिए कॉन्टेंट क्रिएटर. अगर मैं अपने ब्लॉग से छुट्टी ले लूं तो उस दिन आपिका बन रहा होता है, अगर आपिका नहीं तो हेरा का बन रहा होता, तो एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती. अच्छा पांच बहनें हो, पांचों की पांच आप व्लॉगिंग करते हो, सबके अलग अलग चैनल्स हैं, हाँ, सबके. कभी ऐसा हुआ कि एक कमरे से कोई एक बहन निकल रही है, दूसरे कमरे से दूसरी बहन निकल रही हो, ओवरलैप हो रही हो? ये भी अक्सर हो जाता है, बट हमें होता है एक ही घर में ना लोग दो सब देखेंगे, मतलब होता है एक जैसे शादी है ना उसमें हम सब ब्लॉग्स बना रहे होते हैं, वो अपनी साइड दिखा रही होती है, मैं अपनी साइड और वो अपनी साइड, वो सब ब्लॉग देखते हैं, मिक्सचर हुआ हुआ है. ऑल राइट. अच्छा बहनें आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो, या राबिया का अपना ग्रुप है, इकरा का अपना, हिरा का अपना, ऐसा है कुछ? नहीं, हमारी आपस में बॉन्डिंग ऐसे है कि हम लोग के मेरे हम सबके किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, लाइक जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में दोस्त हैं, बट जो बहनों के साथ मेरी बॉन्डिंग है वो ऐसे है मतलब कि मैं अपनी कोई बात शेयर करूँ, और ये लोग ऐसे होते हैं मैं नए दोस्त बनाऊँ, कहेंगे अच्छा नए दोस्त हैं हमें भूल गई, ऐसे हाँ. करते हैं हम लोग एक दूसरे से हर बात शेयर कर लो, बहुत दोस्तों वाला सीन है बहुत ज़्यादा. लेकिन आपको एक इंकशाफ करूँ, हाँ. आपकी एक बहन सीक्रेट्स शेयर नहीं करती. हेरा वो अक्सर वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, हम तीनों सेम है, मैं फातिमा और आप और ज़ैनब भी, हाँ यही हिराब थोड़ी. तो रावे आप कैसे हो कि बस जो दिल में है वो जबान पर है, बस बुड़ 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 करके सब बता दूँ? मैं अभी यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूज थी, बट मैं इतना बोलती हूँ ना कि वो मेरे घर वाले का चुप, बस अब नहीं बोलने के लिए, मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन कहीं पब्लिक में चली जाओ ना तो वहाँ मैं यूँ होती हूँ, बिल्कुल पत्थर बन जाता है, बोला ही नहीं जाता, पता नहीं. अच्छा राबिया एक तो होता है आपका कंफर्ट जोन, जैसे मेरा कंफर्ट जोन भी ऑब्वियसली मेरा घर है. हाँ. एक ऐसी कौन सी जगह है जिधर आप कहते हो यार मुझे नहीं जाना, इधर मैं जाना पसंद नहीं करती? रिश्तेदारों के घर नहीं जा, मतलब बचपन में बड़ा शौक था, दिल करता मैंने नहीं जाना, मम्मा पापा जबरदस्ती लेके जाते चलो बेटा चलो रिश्तेदार. हाँ. अच्छा ईद के दिन क्या करते हो आप लोग? सिर्फ शूट.
कि वो ईद के कपड़े पहन ली जल्दी, मेरी पिक्चर लो, हम लोग लड़ते यार तुम मेरी ले लो, यार तुम मेरी ले लो, ये हो रहा था। और मेरे साथ इस ईद पर जो हुआ था, मैंने ब्लैक ड्रेस पहन लिया और मेरे सर पे मच्छर और पाँव मेरा गोबर में चला गया, इतना ऐसा बुरा हुआ था और पूरी ईद मेरी खराब हुई थी इस वजह से। ओहो, अच्छा रिश्तेदारों का बताओ कि उनका रिएक्शन कैसा था जब उन्होंने कहा कि यार यूट्यूब, इन्होंने YouTube चैनल बना लिए लड़कियों ने, उनका हाँ, क्या रिएक्शन आया? पहले उनको कुछ इतना पता नहीं था, बट जब उनको उन्होंने देखा तो वो लोग सोचे वाह, हमारे कजन यार मेरे साथ सेल्फी ले ले यार। हाँ। वो तो बाबा ये हो गए ना, और मतलब ऐसे कहते हैं कि अच्छी बात है, वो सब सपोर्ट ही करते हैं फैमिली में भी ना, अच्छा सीन है। लड़ाई होती है बहनों के दरमियान बहुत, अभी मैं अभी जब आई थी लाहौर से, मेरी अपनी जैन छोटी बहन से लड़कर आ रही, वो किस बात पे कहती मैंने भी जाना है साथ, रोने बैठी मुझे भी साथ लेकर जाओ, इस बात पे लड़ाई हो जाती, बहुत लड़ाई होती है कपड़ों पे। मैंने नहीं, मैंने पहना मेरा सूट, तुमने क्यों पहना है, नहीं ऐसे कि पहले मैंने पहनना था तुमने क्यों पहना है, इस बात पे लड़ाई हो जाती है। ऑल राइट, अच्छा बहनों में वो बंदा कौन सा है जो अपनी चीज़ें नहीं खरीदता बाकी चारों की यूज़ करता है? हिरा नहीं, नहीं वो भी खरीदे सब भी, मैं शायद, लेकिन मैं भी खरीद, हाँ मैं सोच लो जवाब सोच लो पहले मैं करती हूँ क्योंकि ये सब अपनी अपनी चीजें, हाँ फातिमा, फातिमा कुछ नहीं वो नहीं खरीदती, फातिमा चीजें यूज करती है। ओके अब आपसे मैं पूछूंगी एक रैपिड फायर सवाल, एक तो नहीं खैर बहुत सारे रैपिड फायर सवाल, रैपिड हाँ बिल्कुल ये रख दीजिए। रैपिड फायर सेगमेंट हम शुरू करते हैं, आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है? फातिमा फैसल, माय सिस्टर। ओके, ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर देख के लगता है कि यार ये तो क्रेजी है? क्रेजी है मतलब अच्छे वे में क्रेजी है? इकरा कमल यार, यार ये तो बहनों के ही नाम है, बहनें सारी बहन, अगर इकरा के अलावा अगर हम किसी को बोले क्रेजी है कोई इन्फ्लुएंसर, यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हाँ जो बोलो यार क्या ही बात है, क्रेजी सी। रुमैसा खान, रुमैसा खान डिजर्विंग इन्फ्लुएंसर, जिसके पास कोई भी ब्रांड आए कोई भी चीज आए बोलोगे यार ये डिजर्व करता है या करती है, जिसने करियर में बहुत मेहनत की हो, बहुत मेहनत, बेहोश ना हो जाना राबिया मुझे ना नाम एक्चुअली में भूल जाते हैं, टेक योर टाइम, कोई तो होगा, डकी भाई, डकी भाई ठीक है जी। अच्छा ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर है जिसको देख के आपको लगता है कि यार बहुत ही ब्रांडेड, यार बिजनेस क्लास, महंगा बैग, महंगे कपड़े? शाहवीर जाफरी। ऐसी कौन सी इन्फ्लुएंसर है, वैसे क्वीन तो कोई लड़की हो सकती है, जो आप हाँ। बोलोगे कि यार हर चीज बहुत ड्रामेटिक है, बहुत ड्रामेटिक करती है? सिस्टर्स का नाम नहीं ले सकते आप सिस्टर्स के अलावा? हाँ ड्रामेटिक कौन है कि हो हाय वो ये हो गया है? रबीका खान, रबीका हर चीज में ड्रामा है, हाँ बट लाइक शी इज टैलेंटेड, बट सही है ठीक है। किस इन्फ्लुएंसर को साथ लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना पसंद करेंगी? किसी एक ही इन्फ्लुएंसर को लेके जा सकती हैं, जन्नत मिर्जा, हरीम शाह या फिर शहताज खान? जन्नत मिर्जा। टिकट्स हैं आपके पास दो और आप जा रही हैं एडवेंचर लैंड, ठीक है, उसमें से दो लोगों को आप अपने साथ लेके जा सकती हैं, किन को लेके जाएंगी, रबीका, हफ्सा या फिर कशफ? हफ्सा। एक और नाम? रबीका। रबीका, ऑल राइट। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करवानी हो तो कौन से इन्फ्लुएंसर को लेके जाएंगी अपने साथ? किसी से लड़ाई हो गई है और अब यार इस मसले को हल करना है तो किस इन्फ्लुएंसर को अपने साथ मदद के लिए लेके जाएंगी? रुमैसा, अलिशबा या फिर संदल खटक? रुमैसा। और अगर किसी से लड़ाई करनी हो तो किसको लेके जाएंगी कि चलो मेरे साथ मुझे लड़ना है? कमल आफ्ताब, सबा मास सफदर या फिर अरूप जतोई? अरूप जतोई। अरूप जतोई को लेके जाएंगी, ऑल राइट। अच्छा राबिया 2016 में शुरू किया, उस वक्त आप स्कूल जाते थे, ठीक है, फिर माशाल्लाह सिस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल, बहनों का अपना यूट्यूब चैनल, जब पहली दफा इनकम आई थी यू नो सोशल मीडिया की, वो मोमेंट याद है? हाँ मुझे याद है, फर्स्ट टाइम मुझे इंस्टाग्राम पे प्रमोशन आई थी और मैं इतना, मम्मा मुझे पैसे मिलेंगे पोस्ट लगाने के, इतना खुशी थी, और मुझे पहली दफा पैसे आए वो सारे में मामा, मम्मा आप ही ले लो मुझे नहीं, वो बड़ा एक होता है ना इमोशनल मोमेंट होता है कि बेटी इंडिपेंडेंट हो गई है इतनी छोटी सी एज में, ऊपर से तो अच्छा लगता तो है। सारे पैसे अम्मी को दे दिए? हाँ, अभी भी मेरे सारे पैसे मेरी मामा के होते हैं, तो कभी चाहिए होता है तो अम्मी से आप ले लेते हो? हाँ अभी भी मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मम्मा पैसे देना, मम्मा से मांगती हूँ। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी आदत है। सारी बहनों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है कि यार तुम बहुत सेंसिटिव हो, हर चीज दिल पे ले लेती हो? सीरियसली? अच्छा मुझे तो लग रहा है कि आप तो बड़े वो वाले हो कि नहीं देख लेंगे, मैं छोटी सी बात पे रोना शुरू कर, मुझे कहना
तो तुमने मुझे बहुत दुखी किया है, मैं उस भाप के हाय में इसको दुखी कर दिया, मैं रोना शुरू कर दूँ. और हो सकता है दुखी ना किया उसने, ऐसे ही बोला. हाँ बहुत, मैं ना हर चीज को दिल पे लेकर सोचने लग जाती हूँ, हाय मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ऐसे इस तरह का होता है. तो बहनों में सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की किसकी आदत है? फातिमा. वो हर चीज को ओवर थिंक करती है बहुत ज्यादा. वो तो फॉर एग्जाम्पल वो क्या किस चीज को ओवर थिंक करेगी? सोचेगी उसने एक वीडियो डाली, वो कहेगी इस वीडियो के व्यूज नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, कैसे नहीं, बहुत लंबी चौड़ी एंड तक सोच लेती है वो. और ऐसा कौन सी, ऐसी कौन सी बहन है जो कहती है बस 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 मामला खत्म करो, बहुत लंबाई हो गई है? कोई भी नहीं सारी, लेकिन हिराब पे नहीं, वो भी लड़ती है. हाँ सब लड़ती हैं, सब ऐसे ही, सब सेम है. मम्मा कहती है चुप कर जो सारी, बस कर, मम्मा कहती है. और घर में सारी बहनें, अम्मी को कभी ऐसा फील नहीं होता कि माशाल्लाह पांच बेटियां और पांच की पांच इंडिपेंडेंट, उनका क्या मतलब, उनको कैसा? वो तो कहती है मुझे बेटियों की शक्ल में बेटे मिल गए हैं. कहती है ना कि सब रिश्तेदार वगैरह कहते हैं कि सिर्फ बेटियां हो ये वो, बट मम्मा कहती है मेरे तो मेरे पांचों बेटे हैं अभी से. वाओ. अच्छा राबिया, कोई जैसे आपकी अम्मी का जिक्र इतना हुआ है, कोई एक ऐसी टिप जो अम्मी ने दी हो जो दिल पे लग गई हो काम के हवाले से? हाँ मेरे बाबा ने एक चीज समझाई थी कि कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना. उन्होंने कहा था करना है अपने लिए करो, पैसों के लिए कभी नहीं करना. जहाँ आपके ऊपर लालच आ जाता है आप बस वो कहते हो पैसा पैसा पैसा. हाँ. तो हम लोग कहते हैं कि हमें दिल करता है बस तो करो, अपने लिए करो. तो 2016 में, चलो उस वक्त खराब बहुत छोटे थे, 2018 लगा लेते, 2019. हाँ. उस वक्त क्या मोटिवेशन थी काम करने की और अब क्या मोटिवेशन है राबिया की काम करने की? तब तो मैं एमी बस जैसे स्कूल जाती थी कॉलेज जाती थी, बस मैं बनाती रहती थी शौक शौक में. अब तो होता है कि मुझे अब एक्ट्रेस बनना है, मुझे बहुत कुछ करना है जिंदगी में इंशाल्लाह. अब तो मोटिवेशन ज्यादा बढ़ गई ना, लोगों को देखती हूँ कि नहीं यार अल्लाह ने अच्छी चीज मतलब हमें दी है. हाँ. तो मतलब अगर अल्लाह ने फेम दिया तो हम उसको अच्छे से यूज करें, ना कि उसको वेस्ट कर दो. सही बात है. कोई एक ऐसा फैन मोमेंट जो कहो कि यार ये सच्चा फैन है हमारा? हाँ एक फैन आई थी, वो ऐसे थी रो रही हो और मैं ऐसी थी, मैंने कहा मैं उसको पकड़ के हग किया कि कुछ नहीं होता वो ऐसे. और ना अक्सर फैंस आते हैं आके पिक्चर लेते हैं, पिक्चर उनसे खींची नहीं जाती है पिक्चर. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई आता है. और अक्सर ना जैसे ईद है, ईद पर इतने फैंस गिफ्ट्स भेजते हैं. मेरे बर्थडे पर मुझे इतने गिफ्ट्स आए थे और मुझे इतना, मैं तो कुछ टाइम के इमोशनल हो गई थी कि यार बहुत प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं. अच्छा एक होता है सपोर्टिंग फैंस और वो आपको बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लेकिन इन जनरल, नॉट अबाउट फैंस, इन जनरल सोशल मीडिया की एक बड़ी डार्क साइड भी है. लोग यू नो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग कहते हैं देखो महंगी गाड़ियाँ कपड़े, हमारे पास तो ये सब कुछ नहीं है. उनको क्या कहना चाहोगे? उनको मैं यही कहूंगी कि यार जो है ना उसमें खुश रहना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट पे रहें. अगर हम लोग देखते हैं ना अपने से अच्छे को, ऑटोमेटिकली आप उससे इंस्पायर हो, बट ना कि आप ये बोलो कि मेरे पास क्यों नहीं है. जेलेसी नहीं लानी चाहिए कभी. जहां जेलेसी आती है आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी तभी होती है वरना नहीं होती. अगर आप अपनी उसमें ही शुक्र अदा करते रहोगे तो आई थिंक. और आपको बस वो लेना चाहिए कि यार उसकी तरह मैं भी कर सकता हूँ, ये नहीं कि उसे जले जो ये क्यों कर रहा मैं क्यों. वो बड़ी आ जाती है बीच में. अच्छा राबिया, अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हो? पाकिस्तान में ही देखते हो ना? हाँ बट लाइक मैं बहुत फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मुझे ऑस्कर विन करना है, यहाँ तक मैंने ड्रीम सोचे हुए हैं माशाल्लाह. अल्लाह करे मैं सब हो जाए. ठीक है, अगला सेगमेंट है हमारा जेन जी लिंगो का. ठीक है. और जेन जी लिंगो में हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं और आपने बताने कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है. वैसे कोई आईक्यू से रिलेटेड ये जवाब या सवाल नहीं है. ठीक है, पहला है योलो. मुझे सब दोबारा समझाएंगे? जेन जी लिंगो है और आपने बताना है कि इसका क्या मतलब हो सकता है इसका. ओके. योलो. यो कूल. वाई ओ एल ओ. इसका अलग अलग है, जैसे पहले का मैं बता देती हूँ. वाई मीन्स यू. ओके. अब रह गया ओ एल ओ. ओके, पूरे वर्ड का बताना है. हाँ. यू ओ एल. मुझे नहीं पता. यू यू लव ऑफ. नहीं, यू ओनली लिव वंस. अगला है फ्लेक्स. फ्लेक्स. हाँ. फॉर फ्लेक्स. फ्लेक्स शोखियां मारना. शोखियां मारना, बिल्कुल सही जवाब. अगला वर्ड है बे. बेबी टाइप वर्ड. हाँ, इसका लेकिन एक फुल फॉर्म है बेबी एंड बी का मैं बता देती हूँ. बी का मतलब है बिफोर. बिफोर एंड आफ्टर. नहीं. बिफोर बी बिफोर एंड एंड बिफोर एनीवन एल्स.
Before anyone else. Yes. Okay, अच्छा. NVM का क्या मतलब है? NVM never mind. Full form, हाँ, never mind. All right. Dank का क्या मतलब है? Dank. Dank. Yeah, इसकी full form है या फिर वैसे? नहीं, इसका मतलब बताना है. Dank. Like, dank. Dank. बिल्कुल करीब पहुंच गए थे आप. Cool. Cool. Haan. Cool. Amazing. Very amazing, nice. Amazing. Very haan. Nice. FOMO का फुल फॉर्म क्या है? FOMO मुझे ना, मेरी तो IQ लेवल बहुत कम है. इसका IQ से कोई लेना देना नहीं है. FOMO फॉर्म नहीं, फॉल्स. मैं बताती हूँ, पहले का मैं हिंट दे रही हूँ. फियर. फियर ऑफ. फियर ऑफ, बिल्कुल सही बोला. अब एम और ओ रह गया. फियर ऑफ मेकिंग. मिसिंग. फियर ऑफ मिसिंग एनीवन. फियर ऑफ मिसिंग. Fear of missing out. Yes, जबरदस्त. बहुत जबरदस्त खेला राबिया आपने. और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये सारी कॉन्वर्सेशन करके. लेकिन हम गेम सेगमेंट से जाने से पहले पूछूंगी कि यूट्यूब पे आप लोग खुद अपना कॉन्टेंट बनाते हो, अपलोड करते हो, कोई ऐसी चीज है जो आपने यूट्यूब देख के सीखी हो? YouTube देख कर सीखी हो? लड़कियां मेकअप करना सीखती हैं, डांस करना सीखती हैं. मैं तो एक तो दिन रात मैं ड्रामास बहुत देखती हूँ, दूसरा मेकअप करना. अभी रिसेंटली मैंने अपनी कटिंग खुद कर रही थी YouTube से देख कर. wow. और वो खराब कर ली मैंने अपने बाल. यानी कि हर चीज नहीं करनी चाहिए. आप जी 5 मिनट क्रार्ट्स वगैरह देखते हैं, इन पे यकीन ना करो, सब खराब. उल्टा मैं इसे हर चीज खराब करती हूँ. ओए होए होए. अच्छा राबिया, मुझे बताओ कि शादी किस तरह के बंदे से करना चाहोगी? कि यार ये जो है ना, ये सारी क्वालिटीज जिससे मैं शादी करूँ उसमें होनी चाहिए. माई फादर, क्योंकि उन्हीं को मैं आइडियल देखती हूँ. जैसे वो सपोर्टिव है, जैसे वो मामा के साथ प्यार से रहते हैं, तो वो सब मैं अपने फादर को अपना आइडियल देखती हूँ. जबरदस्त. अच्छा इकरा की जब एंगेजमेंट हो रही थी, अब तो इंशाल्लाह शादी होगी, तो मुझे बताओ कि अप्रूवल लिया था इकरा ने कि तुम सबको सही लग रहा है ना? हाँ, सबसे घर पर सबको से दिखाया. पहले मुझे हालांकि खराब है कैसे. अच्छा, यू वर द फर्स्ट वन जिसको पता चला था? मैं, क्योंकि वो ज्यादा बातें मुझसे शेयर, घर में सब मुझसे, मैं सीक्रेट कीपर हूँ सबका, सब शेयर करते. उसके खराब है कैसे, अभी तो दोस्त है ना. मैंने कहा हाँ अच्छा है, अच्छा है. तो बाकी घर पर फिर बात चली, सबको दिखाया, सबने यस कर दिया था. तो ये शॉकर था कि मतलब यार इकरा की तो शादी हो रही है. अभी भी हम लोग उसकी तैयारियां वगैरह कर रहे हैं, अभी होने वाली शादी. तो बड़ा एक बार मैंने कहा सबसे ज्यादा आपकी की शादी पे हम रोएंगे. मम्मा कहती है हाँ पहली है ना, तो हम सब इमोशनल ऑब्वियसली होंगे. तो मैंने कहा आप ये गाना लगाऊंगी मैं शादी पे. वो बोला मेरे साथ फेरो. मैं ना हम गाने के लिए देख रहे हैं अभी. हाँ. कपड़े वगैरह तो मजा आ रहा है. जबरदस्त. अच्छा इकरा जब चली जाएगी, ठीक है ना, अपने ऑब्वियसली इन लॉज के घर जब होंगी, तो कैसे फिर एस्ट्रोलॉजी को लेके चलोगे? वो वहाँ से शुरू करेंगे आप लोग? यहाँ से शुरू करोगे? क्योंकि हमारे अपने चैनल भी हैं. क्योंकि वो कौन सा ज्यादा दूर जा रही है. आप भी कहती मैं तो रोज आ जाया करूंगी. मम्मा कहती ये लो, अब वो आ जाएगी क्योंकि इतना मस्ता नहीं है. हम लोग चले जाएंगे कभी, वो आ जाएगी. चलो इंशाल्लाह. यानी कि ये एस्ट्रोलॉजी इंशाल्लाह चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, आप लोगों को मिलता रहेगा सब कुछ. ग्रेट. अच्छा इंडोर गेम्स में कैसे हो? अच्छा इंडोर गेम. इंडोर गेम्स बैडमिंटन हो जाए, टेनिस हो जाए, या बोर्ड गेम्स हो जाए, इस तरह के गेम्स में कैसे हो? बैडमिंटन मुझे बहुत पसंद है. क्रिकेट मुझे बिल्कुल नहीं आती, एंड ऑल्सो फुटबॉल भी नहीं आती. मैं लूडो में अच्छे हो? बहुत जबरदस्त. हो मोनोपोली या सीक्वेंस, इस तरह के गेम्स में खेल लेते हो? अच्छा मैं ये सवाल हर दफा पूछती हूँ कि गेम में क्या चलता है, स्ट्रेटजी या फिर लक? जिस बंदे का दिन हो आज, दिमाग चलता है. मैं तो इतनी दफा चीटिंग करके जीतती हूँ, पता भी नहीं चलता किसी को. मैं कहते हैं नक्कल के लिए अकल चाहिए होती है. चलो आज देखते हैं कि राबिया आज कैसा खेलती है. स्ट्रेटजी चलती है, दिमाग चलता है, लक चलती है, क्या होता है? लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तब पता चलेगा जब हम जाएंगे एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली. Alright people, we are in the activity area of girls only. So, Rabia, हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है Flotatious. करना यह है कि दो बॉल्स हमारे पास हैं, पानी उनमें भरा हुआ है, प्लेट हम प्लेस करेंगे, ठीक है? फिर उसके ऊपर हमें कैंस को स्टैक करते हुए जाना है. जो सबसे पहले कैंस को स्टैक कर देगा और सक्सेसफुली वो टावर खड़ा रहेगा, वो जीता रहेगा, ठीक है? या फिर जिसका भी पहले गिर गया तो ओपोनेंट पार्टी जीत गई. ठीक है, 3, 2, 1 गो. और जीतेगा उसको मिलेगा क्या? मैंने पहले भी कहा था दुआएं. आप पैसे एक्सपर्ट होंगी. नो आई एम टेरिबल. ये पता नहीं कैसे बन रहा है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है गिर जाएगा थोड़ी देर में. गया. आई न्यू इट, आई न्यू इट.
लेकिन पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट ये स्टे 10 सेकंड तक तो खड़ा रहा ही था. हाँ. अच्छा वैसे जब आप लोग एस्ट्रोलॉजी का बनाते हो कंटेंट बनाते हो, ऐसे गेम्स खेलते हो उसमें? हम लोग चैलेंजेस करते हैं, नूडल चैलेंज खाने वाले और हाँ करते हैं चैलेंजेस काफी. तो नूडल चैलेंज, अब ये सारे जो खास जो खाने से रिलेटेड चैलेंज है, घर पे पकाते हो बाहर से मंगवाते हो? घर पर पकाने का भी व्लॉग बनाते ना कि हम पका रहे हैं, बहुत मजा आता है. तो नूडल चैलेंज मतलब क्या होता है फिर उसके अंदर? उसके लाइक स्पाइसी नूडल्स नहीं आजकल चल रहे कोरियन, वो खाने हैं. तो वो अभी रिसेंटली हमने किया था. तो ऊपर से ना होता क्या होता है, हम लोग अब कैमरा के सामने होते कि ज्यादा ओवर भी नहीं करना, बट वो रियल में इतनी मिर्चें लग रही थी बंदे और मैं तो रोने लग गई थी. हाँ, बहुत स्पाइसी होता है. कैमरे के सामने हमें होता है कि ज्यादा ओवर नहीं करना, नेचुरल लगना चाहिए, बट वो असल में ओवर था अंदर ही. हाँ, आई गेट इट. ओके राबिया, अपने सारे फैंस को क्या मैसेज दोगे? कि जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ऐसे करते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोग मेरी मोटिवेशन है. मतलब जो आप लोग मुझे गिफ्ट्स भेजते हो, आप लोग के कमेंट्स में सब पढ़ती हूँ, कभी कभी रिप्लाई नहीं करती बट मैं सब पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. जबरदस्त, इन सबको ऐसे ही पसंद करते रहो. ये लड़कियाँ सुपर नेचुरल हैं, सुपर जेन्युइन हैं. और मैं जैसे कि मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में कहा, 2016 से 2023 कोई छोटी जर्नी नहीं होती, ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है. सो अगर राबिया का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो, राबिया को जरूर फॉलो कीजिएगा उनके यूट्यूब चैनल पे. और अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन दिस वाज मी हिना अल्ता विद राबिया फैसल. टेक वेरी गुड केयर. अल्लाह हाफिज़.